अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। उपेन यादव ने अभी थोड़ी देर पहले अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर यह पोस्ट की है और विभिन्न भर्तियों से संबंधित जानकारी दी है। आज मुख्यमंत्री निवास पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने गए हुए हैं, जिसकी वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा, मुख्यमंत्री सचिव ललित जी एवं जुगल किशोर जी, इन सभी से हमारे प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई। रीट शिक्षक भर्ती 2018 की तृतीय सूची के मामले में उन्होंने कहा है कि मामला पॉजिटिव है और अभी प्रोसेस में है, लेकिन उपेन यादव कहते हैं कि जब तक तीसरी सूची जारी ना हो जाए तब तक हम इस मामले को पॉजिटिव नहीं समझेंगे और लगातार हमारा प्रयास और संघर्ष जारी रहेगा। इसके अलावा शाम को अधीनस्थ बोर्ड एवं RPSC की स्थगित की गई भर्तियों की परीक्षा तिथि एवं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती यानी सेकेंड ग्रेड भर्ती 2018 का काउंसलिंग कैलेंडर जारी करने एवं सभी लंबित भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री के सचिव को ज्ञापन सौंपा है। और आप जानते हैं कि जो भर्तियां स्थगित की गई थी उनमें विभिन्न भर्तियां हैं। सबसे बड़ा नाम है RPSC फर्स्ट ग्रेड का, जिसके फॉर्म रीओपन होने हैं और पदों में भी बढ़ोतरी होनी है और फिर से नई एग्ज़ाम डेट का निर्धारण किया जाना बाकी है। बहुत सारे अभ्यर्थी हर वीडियो में एक ही सवाल पूछते हैं कि फर्स्ट ग्रेड का क्या हुआ है। उपेन यादव लंबित भर्तियों के लिए प्रयास कर रहे हैं और मैंने पहले भी आपको कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है उसका एग्ज़ाम 2020 में नहीं होने वाला है। 2020 में किसी हाल में नहीं होगा, क्योंकि अभी फॉर्म रीओपन नहीं हुए हैं और जब फॉर्म दोबारा से भरने स्टार्ट होंगे तो 1 से 1.5 महीना उनमें भी लग जाएगा और फिर उसके बाद में अर्धवार्षिक परीक्षा है और फिर निकाय चुनाव आ जाएंगे। तो अभी फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा वक्त है, कई अभ्यर्थियों को इसमें बहुत परेशानी हो रही होगी जो बाहर रहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं 1-1.5 साल से। लेकिन जब आप इस भर्ती को इतने दिनों से पकड़े हुए हैं, इतने दिनों से आप इसके टच में हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो अभी लास्ट के स्टेज में आपको इसे नहीं छोड़ना चाहिए, हताश होने की ज़रूरत नहीं। तो संभावना यही है कि या तो फरवरी 2020 में हो जाएगी, जिसकी कम संभावना है, उसके बाद अगर फरवरी में नहीं होती है तो मई 2020 में यह भर्ती होने की पूरी संभावना है इसका एग्ज़ाम। उपेन यादव ने आके लिखा है कि मुख्य सचिव साहब सारे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी विभागों से लंबित भर्तियों को लेकर ब्यौरा मांगा है उन्होंने, और जितना प्रयास मुझसे हो रहा है उतना प्रयास मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। इसके अलावा राजस्थान की भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा कम हो, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस संघर्ष में प्रदेश की मीडिया पूरा साथ दे रही है हमारा, उसके लिए बेरोजगारों की तरफ से प्रदेश की मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। और राज्य सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों में 75% प्रदेश के बेरोजगारों को लेने का जो निर्णय लिया है उसके लिए मैं राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही मांग करता हूं कि सरकारी नौकरियों में भी बाहरी राज्यों का कोटा बिल्कुल कम कर दिया जाए। जिस प्रकार 21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए 0% स्थान है, वैसा ही कुछ निजाम राजस्थान में भी किया जाना चाहिए, जिससे राजस्थान के बेरोजगारों को उनका हक मिल सके। उपेन यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ।